दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। भैया मेरा फोटोग्राफी का काम है। लॉकडाउन के दौरान हम फोटोग्राफर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आने वाले टाइम में भी अभी तक कोई शादी का अता पता नहीं है, और इस दौरान जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 50 जनों की शादी का प्रावधान है, उसमें भी पार्टी का खींच खींच के 5,000-6,000 तक का काम आ रहा है, जिससे हमें अपना व्यापार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान हमारी खुद की जो दुकानें किराए पे ली हुई है, आज मेरी खुद की ये स्थिति आ गई है कि मुझे इस महीने अपनी दुकान खाली करने की नौबत आ गई है, दुकान खाली करके देनी पड़ रही है। इसके अलावा और क्या काम है? इसके अलावा मेरे पास मेरे कैमरे बजाज फाइनेंस व अन्य फाइनेंस से लिया गया है, जिसका अभी तक कोई भी किस्त मेरी मतलब मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। इस चक्कर में मुझे ब्याज समेत आगे के लिए कहा गया है कि राशि चुकाइए। शादी में अगर 2021 तक शादी नहीं चलेगी? हालत तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और हालत तो ये आ गई है कि अब आपके सामने ही है। मैं भी अब इस महीने दुकान खाली इस चक्कर में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो सरकार की तरफ से कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया है, दूसरा बैंक द्वारा जो हमने कैमरे लिए हैं वो राशि भी हम नहीं चुका पा रहे हैं अभी। हमारी सुनील लालवानी, फोटोग्राफर। हमारा काम फोटोग्राफी का है। शादी पार्टी के अंदर हम फोटोशूट करते हैं, और अभी 2-3 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ था, जब से काम बंद ही है, और आगे 6 महीने भी सावे नहीं है। इस कारण हमें बहुत समस्या आ रही है, जैसे कि दुकान का किराया है, लाइट का बिल है, घर का खर्चा है, बच्चों की फीस है, खुद का खर्चा है, सोसाइटियाँ हैं, VC, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। शायद अभी तक हमने, मुझे लगता है कि कोई किस्त भी नहीं भरी मैंने, क्योंकि जो पैसा था वो हमने घर के खर्च के अंदर यूज़ ले लिया है। और अब बैंक वालों की फ़ोन आते हैं, कैमरा आज किस्त पे उठाया है, किस्त वालों का फ़ोन आ रहा है, बजाज वालों का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो अभी स्थिति ख़राब है बहुत ज़्यादा, और सरकार से राहत कुछ भी नहीं मिली, और आगे हमें लगता नहीं है कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है कि सरकार कोई राहत देगी हमें, क्योंकि अभी सरकार खुद सरकार से हमने मोहर भी लगाई है कि सर हमें कोई राहत पैकेज दे, कोई गाइडलाइन दे, तो सरकार ने बिल्कुल अभी तक हमारा कोई बात सुनी नहीं है, और हमें नहीं लगता कि सरकार कुछ बात सुनेगी हमारी। इसके अलावा आपके पास और क्या काम है? इसके अलावा हमारे पास कुछ भी काम नहीं है अभी। अब काम कुछ ढूंढेंगे, नए सिरे से चालू करेंगे, तो नए सिरे से चालू करने का मतलब है कि हम कम से कम 2-3 साल पीछे आ गए वापस। क्या आपकी दुकान भी किराए पर है? दुकान भी रेंट पर, किराए पर अपनी दुकान। किस तरह से आप किराया दे रहे हैं? अभी किराया 2-3 महीने हो गए, अभी दिया नहीं है, और आगे से अभी देखो किराया तो मांग रहे हैं, किराया तो माफ़ कोई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, या तो खाली करेंगे अगर नहीं बैठेगा तो। अपना आपका नाम? नीरज कुमार मेघवंशी। हमारा फोटोग्राफी का काम है। हम काफ़ी परेशान हैं, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से तो समझ लो हमारे धंधे की पूरी 12 बज चुकी है। हमारा कारोबार पूरा ठप हो चुका है। जहाँ मेरे 5 आदमी काम करते थे, आज मुझे अकेला एक स्वयं काम करना पड़ रहा है, 5-6 को मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, और दुकान का किराया निकालना भी बड़ा मुश्किल है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सहायता नहीं मिली है। हमने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद कोई हमारे को सहायता का कोई गाइडलाइन वगैरह कुछ भी हमारे को नहीं दी उन सरकार ने अनुमति दे रखी है कि फोटोग्राफर। हाँ, सरकार ने 50 आदमियों के लिए कहा है, 50 आदमियों में कई जने तो फोटोग्राफर करते ही नहीं है। उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया, फोटोग्राफी अलाउ ही नहीं है, ये भी नहीं है। और बुलाते हैं तो एक फोटोग्राफर को बुलाते हैं, वो भी कोई 5-6 हज़ार रुपये का काम करके ख़त्म हो जाता है। हमारा पहले पैकेज अच्छे जाता था, हमारा फोटोग्राफी अलग तरीके से होती थी, हमारा काम बहुत अच्छे लेवल पर था। आज हमारी ये स्थिति हो गई कि हमें जो हमारा 10,000 रुपये महीना किराया है, वो भी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार से आपको किस तरह की मदद की आप संभाल रहे हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं जब तक कि लॉकडाउन कंप्लीट पूरा ख़त्म ना हो, और ये वायरस जो भी चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद तक हमें कुछ राशि प्रदान करें, जिससे हमारा भरण पोषण, ये किराया वगैरह में किसी में मदद मिल जाए हमारे को जीवन यापन करने में। आपके कैमरा जो इक्विपमेंट वगैरह है, इस पर किस तरह की कोई खराबी वगैरह भी? आज मेरे पास करीबन 4 लाख के कैमरे हैं, करीबन 2-3 कैमरे हैं मेरे पास अलग अलग प्राइस के। उसको कैमरे जब से लॉकडाउन हुआ वो आज तक ऐसे कैसे पड़े हैं, यूँ ही ख़राब हो रहे हैं। उनकी EMI चल रही है, वो EMI समय पर नहीं दी जा रही है। कंपनी वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं हमें, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की जो राहत मिली, कुछ राहत नहीं मिल पा रही हमारे को उससे। ठीक, आपका नाम? किशनगिरी।